पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तुम फिर चली आई यहाँ? मैं यहाँ अपना हक लेने आई हूँ, एक बेटी का फर्ज निभाने आई हूँ। मेरी माँ ने कहा था जब उनकी दोनों बेटियां वापस आ जाएंगी तभी वो मेरे पापा की अस्थियों को शांत करेंगी। मैं आ गई हूँ माँ, आपकी जान दी। चली जाओ यहाँ से वेदिका। माँ आप ही ने कहा था ना जब मेरी जानवी और यामिनी दोनों वापस आ जाएंगे तभी आप अपना ये काम पूरा करेंगी। अब तो सिर्फ मैं आई हूँ ना माँ। तुम नहीं, मैं। ये मेरे पापा का घर है, ये मेरी माँ है और उसमें मेरे पापा की अस्थियां हैं। बस करो कोयल, कितना झूठ बोलोगी, कितने ये झूठे आंसू बहाओगी। तुम्हें तो मेरी हर बात झूठी और धोखा ही लगती है, लेकिन ये आंसू ये झूठे नहीं है। और माँ ने जो डिसाइड किया है वो होकर रहेगा। चलिए माँ, हमें इसकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। कोयल तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है ना? तुम्हारे दिल में जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है ना उस इंसान के लिए जो इस दुनिया में ही नहीं है? थोड़ी बहुत इंसानियत तुम्हारे दिल में बची है या नहीं कोयल? माँ जो वादा आपने किया था उसके खिलाफ मत जाइए। चुप रहो वेदिका, ये हमारा पर्सनल मैटर है। क्या करूं मैं, आप ही बता दीजिए गौतम, कोई तो इशारा दे दीजिए। चलिए माँ, आइए आइए मेरे साथ। नहीं वेदिका सही कह रही है, इतने बरसों तक इंतजार किया मैंने, मुझे और रुकना चाहिए, शायद गौतम भी यही चाहते हैं। ये मैं तभी करूंगी जब मेरी दोनों बच्चियां मेरे साथ होंगी, जानवी और यामिनी भी आ जाएगी। माँ मुझे माँ मत बुलाओ वेदिका। चलो कोई भी जो भी हुआ उसमें आपकी भी मर्जी थी ना पापा, आपने ही मां को रोका ना, तब भी आपकी जरूरत थी पापा। पापा भी चाहिए, आज भी आपकी जरूरत है। अब देखना, एक ना एक दिन माँ को यकीन दिलाकर ही रहूंगी कि मैं ही उनकी जान भी हूं। आप मेरे साथ हैं ना पापा? वेदिका वहां आ गई सिर्फ इसलिए आप अस्थियां वापस लेकर आ गई? कितनी मुश्किल से मन माना था आपका और काम भी नहीं हुआ। देखिए कोई बात नहीं मयूरी जी, शायद गौतम को यही मंजूर था। और वैसे भी मैंने गौतम से वादा किया था कि अपनी दोनों बच्चियों के साथ ही ये अधूरा काम पूरा करूंगी। अरे रे, कितनी अभागी है ये औरत, दोनों बेटियां इसके पास होकर भी नहीं है। लड्डू लीजिए दीदी। अरे ये लड्डू किस लिए ले आया? सरस्वती जी के घाव पर नमक छिड़कने के लिए?
वंशी? नहीं, मैंने मंगाया। बहुत दिन से घर में बहुत सारी परेशानियां, स्ट्रेस चल रहा था। अभी अभी चाची को उनकी बेटी मिली। मैंने सोचा क्यों ना सबका मुंह मीठा कराकर थोड़ा स्ट्रेस कम कर दिया जाए। कहीं ये लड्डू खिला के तुम ये तो नहीं जाहिर करना चाह रहे हो ना कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? जी नहीं। हाय। अरे ये फिर आ गई? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब हमारे घर चली आती हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर लो। शर्म तुम्हें आनी चाहिए कोयल। जानवी होने का दिखावा मैं नहीं कर रही हूँ, तुम कर रही हो कोयल राठी। मैं तो यहाँ अपनी फाइल लेने आई हूँ जो मैं इस घर में भूल गई थी। वो फाइल यहाँ छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती मैं। कहीं गलत हाथों में पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लड्डू लीजिए दीदी। अरे वाह, कोयल और सागर के शादी के लड्डू। नो, इन्हें मत दो। ये लड्डू सिर्फ फैमिली के लोगों के लिए, वो नहीं खा सकते। बेसन के लड्डू तो मेरी जानवी के फेवरेट है ना। अपनी बिटिया को अपने हाथों से खिला दूं। लड्डुओं में काजू का पाउडर मैंने डलवाया है। जानवी और यामिनी दोनों को काजू से एलर्जी है। अगर आज लड्डू खाने के बाद कोयल पर कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ तो साफ हो जाएगा कि वो जानवी होने का ढोंग कर रही है। फिर ये शादी का झंझट भी खत्म, क्योंकि दादी तो ये बात मानने से रही। उन्होंने कोयल को जानवी मान लिया है, इसलिए यही एक रास्ता है मेरे पास। माँ के हाथ से खाने का मजा और ही होता है। मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ एक। तो और खाओ। बस बस, ज्यादा मत खा, मोटी हो जाएगी। कोयल? क्या हुआ? कोयल? कोयल? कोयल क्या हुआ? अरे बेटा, अरे क्या हुआ कोयल? बेटा, अरे किशन, कोयल, कोयल तो ठीक है। किशन पानी ला। मुझे लगता है इसे किसी चीज का ना रिएक्शन हो रहा है। इसे कोई एलर्जी प्रॉब्लम है क्या? कुछ कुछ भी खाने पीने से? कोयल बेटा, तू ठीक तो है? अरे क्या हो, क्या रहा है बेटा? क्या हो रहा है ये? इसको कोयल थूक दे बेटा, थूक दे जो मुंह में। कोयल, कोयल आई ओके? अभी तो अच्छी बनी थी। कोयल क्या हो गया इसे? कोयल, 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 अरे इसको स्टेशन पर। कोयल, कोयल, संभालो खुद को। कोयल, 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 डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कोयल, कोयल आंखें खोलो। कोयल मुझे टाइटली पकड़ो, ओके? कुछ नहीं होगा तुम्हें।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।